आदमी से आदमी डरने लगा, आदमी बेमौत मरने लगा, ये दुश्मनों से दुश्मनी ये क्या करे, ये तो दोस्तों से भी दुश्मनी करने लगा। पंचकुला के सेक्टर 9 में स्थित आर्य समाज में वार्षिक समारोह का कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के हक के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम रखे गए। आर्य समाज इस तरह के कई सामाजिक कार्यक्रम करता है, जिसमें जरूरतमंदों की सहायता, लड़कियों की शिक्षा समेत कई सामाजिक कार्य करवाए जाते हैं। आइए सुनाते हैं आपको कि इस कार्यक्रम में और क्या क्या होने वाला है। ये आर्य समाज यहाँ की स्थापना 1985 में हुई है और अब इसमें एक बड़ा हॉल है, ऊपर सिलाई केंद्र है, ऊपर एक हमारे बना हुआ शारीरिक आरोग्यता के कार्यक्रम जो रख हमारा जो आर्य समाज है वो वेद प्रचार के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में इसकी एक नियम है कि ये को हम उन्नति करनी है इसमें, तो उस नाते शारीरिक आरोग्यता के लिए जनहित सेवा के रूप में हम एक ऊपर पंचकर्म आयुर्वेदिक केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ पर पूरे बॉडी का मसाज रोग निवारण हेतु और उसके लिए फुल बॉडी स्टीम का प्रबंध भी है। और साथ में यहाँ पर इस समाज में 8 किस्म के आरोग्यता के कार्य चलते हैं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, आई सेंटर है, फिजियोथेरेपी सुबह शाम है, न्यूरोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर है और सिलाई केंद्र का अलग से अपना सामाजिक दृष्टि से महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ चलता है, शाम को भी प्रतिदिन चलता है। रविवार ये सत्संग में उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर यहाँ पर प्रवचन कराए जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये वेद का कार्यक्रम और शरीर आरोग्यता के कार्यक्रम और सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम ये लगनशील है और इसका वार्षिक जो बजट चलता है वो कोई 50 लाख वार्षिक है और ये खर्चा कोई इसके आय का साधन अपना नहीं है। कोई रेंट पर बिल्डिंग नहीं देती, कोई दुकान नहीं है और किसी किस्म का व्यवसाय, कोई आरोग्यता के कार्य उसमें भी कोई व्यवसाय नहीं है। ये हम सबका, यहाँ के आर्यजनों का अपने दान के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहे हैं और ये वार्षिक उत्सव जो चल रहा है 33वां हुआ है और इसमें हमने चार प्रकार के मुख्य सम्मेलन रखते हैं और उसके बाद प्रातःकाल यज्ञ और प्रवचन भक्ति भजन। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वार्षिक उत्सव पर हम प्रधानता देते हैं अपने सब खर्चे के ऊपर बच्चों के कार्यक्रम, विद्यार्थियों के स्कूलों से हम विद्यार्थी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। 14/10/2019 को धर्म शिक्षा परीक्षा रखी गई जिसमें 453 बच्चों ने भाग लिया और 16/10 को निबंध लेखन प्रतियोगिता रखी गई जिसमें 204 बच्चों ने भाग लिया। फिर यज्ञ प्रतियोगिता रखी गई, देव यज्ञ प्रतियोगिता, जिसमें 17 टीमों ने भाग लिया जिसमें 85 बच्चे सक्रिय से आप ही ब्रह्मा बनते हैं और आप ही यज्ञ करते हैं पूरा। उसके बाद वेद मंत्र शुद्ध उच्चारण प्रतियोगिता रखी गई 28 तारीख को, 27 को रखा गया, हम 27 नवंबर को यज्ञ प्रतियोगिता, 28 को वेद मंत्र प्रतियोगिता जिसमें 13 टीमों ने भाग लिया। उसके बाद भाषण प्रतियोगिता रखी गई 29 तारीख को जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक वैचारिक क्रांति का आंदोलन है जो हमें विवेक से जोड़ता है, बुद्धि से जोड़ता है और ये समझाने और कहने का प्रयास करता है कि हम कोई भी बात वैसे ना माने, जो बात सत्य हो, सत्य पर खरी उतरती हो, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
यही आर्य समाज का मुख्य ध्येय है। तो हम सत्य को जीवन में अपनाएं और इसी सत्य वेद वाणी का प्रचार प्रसार इस वार्षिक उत्सव में रखा गया है। बहुत सारे विषय, बहुत सुंदर विषय रखे गए, जैसे कल सायंकाल का भी हमारा बहुत सुंदर विषय रहा और आज भी जो है नारियों के ऊपर एक विशेष सम्मेलन इस समय चल रहा है। मुख्य सम्मेलन हमारे मानवीय मूल्यों से संबंधित विषय वहाँ पर रखे गए हैं। जैसे इस समय जो सम्मेलन चल रहा है दोपहर काल की वेला में कि नारी राष्ट्र की आधार है। नारी के कई स्वरूप हैं, कहीं वो माँ के रूप में हैं, कहीं वो बेटी के रूप में हैं, कहीं वो पत्नी या बहन के रूप में हैं। तो नारी अपने कर्तव्यों का अच्छे प्रकार से निर्वहन करे और वो परिवार समाज राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे सम्मेलन रात्रि को भी होगा जिसमें पर्यावरण की चर्चा की जाएगी वैदिक सिद्धांतों के आधार पर। इनका उद्देश्य समाज और राष्ट्र का भला हो, लोग अपने जीवन के बारे में समझें, जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि आर्य समाज वेद के ऊपर आधारित है और वेद परमात्मा की वाणी है और वेद का संदेश है मनोरुभव। हम मनुष्य बने और मनुष्य सबका हितैषी होता है, उसके मस्तिष्क में ऊंच नीच भेदभाव की भावना नहीं होती है। तो आज समाज के लिए वेद के संदेश की बहुत ज़रूरत है। आदमी आदमी को परेशान कर रहा है, आदमी आदमी को धोखा दे रहा है। किसी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, आदमी से आदमी डरने लगा, आदमी बेमौत मरने लगा, ये दुश्मनों से दुश्मनी ये क्या करे, ये तो दोस्तों से भी दुश्मनी करने लगा। इसलिए आर्य समाज कहता है वेद माता का संदेश है मनोर्भव, हम मनुष्य बने, सबके काम आए, देश धर्म और अपने जीवन को अच्छा बनाकर जिए और हमारे जीवन से लोग प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आर्य समाज पंचकुला का त्रिदिवसीय वार्षिक समारोह का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हुए हैं। विभिन्न विद्वानों को बुला करके उनके उपदेश और सुंदर सुंदर भजन गायकों को बुला करके उनके भजन और बच्चों की प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और बच्चों में अच्छे संस्कार बने, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होंगे बच्चे मनुष्यता को और मानवता को धारण नहीं कर पाएंगे। और इन संस्कारों की शुरुआत यहाँ आर्य समाज से की जा रही है। इन विद्वानों के उपदेशों को बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। तो आज का जो विशेष रूप से कार्यक्रम रखा गया है, प्रातःकाल सुबह यज्ञ हुआ है और ये यहाँ पर यजुर्वेद पारायण यज्ञ चल रहा है जिसका समापन पूर्णाहुति कल होने वाली है। और इस समय 11 से ये 2 बजे तक का जो समय है इसमें नारी के ऊपर सारी चर्चा होने वाली है, क्योंकि नारी जो है राष्ट्र की आधारशिला है। नारी यदि संस्कारित, शिक्षा के साथ साथ संस्कारित भी हो जाए तो एक राष्ट्र का एक बहुत बड़ी सशक्तिकरण हो सकता है। आज नारी शिक्षित तो हो रही है लेकिन उसमें पाश्चात्य प्रभाव की ओर बह रही है। उसके जो आज जिन गुणों से इस देश को उसने बहुत सशक्त बनाया था, मजबूत बनाया था, वो संस्कारी गुण आज परिवारों से विलुप्त हो रहे हैं। तो हमारी जो वैदिक व्यवस्था है उस वैदिक व्यवस्था में परिवारों में सुख हो, शांति हो, चैन हो, आदर हो, सम्मान हो, समृद्धि हो, ये सब लाने वाले की मुख्य भूमिका में नारी की भूमिका रहती है। तो इसलिए नारी को संस्कारवान बनाने के लिए, नारी को अपने भारतीय नारियों का आदर्श, जैसे कि हमारी भारतीय नारी इतिहास में आप देखेंगे पन्ना धाय जैसी नारियां हुई जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। ये त्याग की भावना, ये कर्तव्य की भावना ही परिवार को सुखी बनाती हैं, समृद्ध बनाती हैं, सशक्त बनाती हैं, परिवार में प्रेम का सागर उमेड़ती हैं। तो ये सारी की सारी आज विभिन्न विषयों पर नारी आज किन चीज़ों में नारी को अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है और जागृत होने की आवश्यकता है, उन सभी बिंदुओं पर आज इस सम्मेलन में चर्चा होगी। और यहाँ पर वेद प्रचार का कार्यक्रम में प्रवचन के लिए आया हूँ। आर्य समाज की स्थापना करते हुए महर्षि दयानंद ने इस चीज़ को याद दिलाया था कि जिस प्रकार से लड़के को पढ़ने का अधिकार है वैसे ही लड़की को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों वर्षों से एक मिथ्या परंपरा चली हुई थी कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऋषि दयानंद ने उसको जो है मिथक को तोड़ते हुए इस बात को लिखा कि जिस प्रकार से लड़के को पढ़ने का अधिकार है वैसे लड़की को भी पढ़ने का अधिकार है।
और आर्य समाज में स्त्री शिक्षा लड़कियों के पढ़ने की शुरुआत पंजाब के अंदर जालंधर में कन्या पाठशाला के द्वारा प्रारंभ हुई, जहां से वही कन्या पाठशाला आगे चल करके कन्या महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से जगह जगह फिर कन्या पाठशालाएं प्रारंभ हुई और लड़कियों का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। आर्य समाज की इस प्रगति के साथ एक और बड़ा भारी रहा कि लोग विरोध भी करते रहे, यहाँ तक कि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के अंदर जिस समय वहाँ के एक प्रोफेसर की लड़की ने, जिसका नाम कल्याणी था, वेद से उसने एमए का फॉर्म भर दिया था, उसको पढ़ाने के लिए प्रोफेसरों ने मना कर दिया। आर्य समाज के विद्वानों ने उनसे जो है शास्त्र चर्चा की और इस बात को कहा कि भाई आप सिद्ध करो कि लड़की को पढ़ने का, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है।